नमस्कार, आर्यन रसोई में आपका स्वागत है। मैं पूजा मिश्रा, मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर। हमने पनीर को ऐसे पीसों में काट लिया है। आपको जितना पनीर लेना हो उतना पनीर ले सकते हैं। हमने एक कटोरी पनीर लिया है करीब, पीस में काट करके। दो प्याज कटे हुए ऐसे हमने इसको भी ऐसे पीसों में काट लिया है, प्याज को भी। दो शिमला मिर्च ये भी ऐसे कटे हुए, इसके बीज निकाल करके हमने ऐसे पीसों में काट लिया। दो प्याज, दो हरी मिर्च प्याज कटे हुई है, दो टमाटर बड़े कटे हुए, कसूरी मेथी इसको हमने क्रश कर लिया हाथों से ही, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, काजू 10 से 12, गरम मसाला, नमक, खड़े मसालों में दालचीनी, दो छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, 4 लौंग, हल्दी, धनिया पाउडर, सौंफ, लाल मिर्च। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने एक पैन को, तड़का पैन को गैस पे गरम करने रख दिया है। इसमें हम डालेंगे सौंफ, आपके पास खाली सौंफ है तो वो भी ले सकते हैं आप, हमारे पिसी है इसलिए हम पिसी ले रहे हैं। हमने इसमें 3 चम्मच सौंफ लिए छोटी वाली, धनिया पाउडर है जो भी हमारा पिसा हुआ है, हमने इसमें 4 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, इनको हम भून लेंगे। हमें इन्हें 1 मिनट के लिए भूनना है। देखिए हमें इतना भूनना है, अब गैस बंद कर देंगे हम। देखिए भून चुका है मसाला हमारा। अब इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च। देखिए हमने लाल मिर्च इसमें ऊपर से डाली है। हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, इसमें हम डाल देंगे दालचीनी, बड़ी इलायची, हरी इलायची, लौंग, इसमें डालेंगे हम लहसुन, प्याज, हमने जो मसाला भूना था सौंफ, धनिया पाउडर, लाल मिर्च 2 चम्मच डाली थी हमने इसमें, इसको हमने भून करके रख दिया है। हमारा जो पिसा हुआ मसाला है इसको हमने पीसने की जरूरत नहीं है। इसको हमें डाल देंगे काजू, अब डाल देंगे इसमें हम 2 हरी मिर्च, और हम डाल देंगे टमाटर। अब इन सबको हम भूनेंगे, बस इनको हमें थोड़ा सा गर्म करना है, ज़्यादा नहीं भूनना है इनको हमें। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, ताकि हमारे टमाटर गल जाए। देखिए ये सब नरम हो चुके हैं, हम गैस बंद कर देंगे और इनको किसी बर्तन में निकाल करके ठंडा करके इसको हम मिक्सी में डाल करके इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे हम इसका। उसी कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया थोड़ा सा, अब इसमें हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। हम इनको हल्का सुनहरा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। देखिए हमको इसे कितना करना है बस फ्राई, हम गैस धीमी कर दिए बिल्कुल हमने, अब इसको निकाल लेंगे। और उसी तेल में हम डालेंगे प्याज, और हम साथ ही डाल देंगे शिमला मिर्च। दोनों के हमें हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा गलानी नहीं है हमें इसको। हमने प्याज जो काटी थी अलग से चौकोर में, वो हमने लिए प्याज हमने, इसको हम प्याज को एक ही इसका पीस हम अलग कर देते हैं। हमको इसे इतना ही भूनना है बस, हम गैस बंद कर देंगे और इनको हम निकाल देंगे। हमारा ये ठंडा हो चुका है, इसको हम डाल करके मिक्सी में पीस लेंगे। देखिए हमने सब कुछ पीस लिया है, अब हम उसी कढ़ाई में उसका हमने तेल जो बचा था उसको गर्म कर लिया हमने तेल को, उसमें हम 1 चम्मच हल्दी डालेंगे।
में हम वो डाल देंगे पिसा हुआ पेस्ट अपना। इसको हम भून लेंगे मसाले को। देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से भून चुकी है, तेल छोड़ दिया है। इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी अपने हिसाब से डालेंगे, जितना आपको पतला करना उतना पतला करेंगे। अब हमने इसमें एक गिलास पानी डाल दिया है पूरा। अब इसमें हम डाल देंगे नमक। हम नमक पहले भी डाल चुके हैं, प्याज और टमाटर को जब भूना था तब नमक डाला था हमने इसमें। हम थोड़ा नमक और डालेंगे बस। हमारी ग्रेवी में हल्का सा उबाल आने लग गया है। अब इसमें हम डाल देंगे भुना हुआ मसाला, जो हमने सौंफ धनिया भुनी थी और लाल मिर्च डाली थी उसको हम डाल देंगे, मिला देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला। डाल देंगे इसमें हम शिमला मिर्च और प्याज जो हमने फ्राई करे थे, और हम साथ ही डाल देंगे पनीर। इसमें डाल देंगे हम कसूरी मेथी। हमने कसूरी मेथी को अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। अब इसको हम ढक करके 5 मिनट के लिए और पका लेंगे धीमी गैस पे। देखिए बन चुकी है हमारी सब्जी। इसमें हम डाल देंगे धनिया कटा हुआ। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा देसी घी। और इसको हम ढक देंगे 1 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी गैस पे। देखिए हमारी सब्जी बन चुकी है कढ़ाई पनीर। हम गैस बंद कर देंगे और इसको हम सर्व करेंगे। अब देखिए तैयार है हमारी कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर है इसलिए हमने इसको कढ़ाई में सर्व करा है। देखिए कितनी अच्छी बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।